गाइज, एक घोस्ट टेडी ने हमारे लोस सेंटोस पर हमला कर दिया है। ये भूतिया टेडी कहां से आया है कोई भी नहीं जानता, और ना ही इसे हमारा कोई भी एवेंजर हरा सकता है, क्योंकि ये दुनिया का सबसे खतरनाक भूत है। लेकिन हमें पता लगा है कि इस भूतिया टेडी को हमारा गोल्ड रेड हल्क ही हरा सकता है, लेकिन गोल्ड रेड हल्क काफी सालों पहले ही मारा जा चुका है। अगर हमें इस भूतिया टेडी को हमारे लोस सेंटोस से भगाना है तो हमें गोल्ड रेड हल्क को दोबारा से जिंदा करना होगा। तो क्या आज हम हमारे गोल्ड रेड हल्क को दोबारा से जिंदा कर पाएंगे या फिर नहीं, जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को लाइक कर देना, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। यार हमें है ना किसी भी हालत में आज रेड हल्क की ग्रेव को ढूंढना ही होगा। अगर हमने रेड हल्क को यार दोबारा जिंदा नहीं किया ना, तो यार उस घोस्ट टेडी से भाई कोई भी नहीं जीत सकता, क्योंकि आप सबको पता है कि वो घोस्ट टेडी भाई कितना ज्यादा बड़ा है और कितना ज्यादा पावरफुल है। अरे ये किसका फोन आ गया? हेलो फ्रैंकलिन। हाँ टोनी बोलो। फ्रैंकलिन क्या तुम्हें रेड हल्क की ग्रेव मिली? नहीं टोनी अभी मुझे नहीं मिली है, लेकिन मैं ढूंढने की पूरी ट्राई कर रहा हूँ। जल्दी करो फ्रैंकलिन, वरना ये घोस्ट टेडी पूरे लोस सेंटोस को खत्म कर देगा। इसने लोस सेंटोस के आधे लोगों को मार भी दिया है। अरे शिट यार, ये घोस्ट टेडी तो भाई और भी ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है। टोनी तुम चिंता मत करो, मैं किसी भी हालत में उस रेड हल्क की ग्रेव को ढूंढ कर ही रहूंगा। एक मिनट गाइस, मुझे लग रहा है कि ये रेड हल्क का पुराने वाला घर है जहाँ पर रेड हल्क पहले रहता था। आई थिंक हमें यहाँ पर कोई ना कोई सुराग मिल सकता है। चलो यार अंदर चलने की ट्राई करते हैं। भाई यार यहाँ पर तो लॉक लगा हुआ है। शिट गाइस यार, ये हाउस तो पूरे तरीके से लॉक है। मुझे नहीं लगता गाइस हमें यहाँ पर कोई सुराग मिल सकता है। एक मिनट, ये क्या है गाइस? मुझे लग रहा है कि ये रेड हल्क की ग्रेव है क्या? अरे हाँ गाइस यार, ये तो रेड हल्क की ग्रेव है। और भाई देखो ये कितनी बड़ी ग्रेव है, ये सच में गाइस यार गोल्ड रेड हल्क की ग्रेव है। ओ शिट यार, मैं इसके ऊपर चढ़ गया, मुझे इसके ऊपर नहीं चढ़ना चाहिए था। लेकिन हम इस ग्रेव को खोलेंगे कैसे? जब तक हम इस प्लस वाले साइन को नहीं हटाएंगे यहाँ से, हम इस ग्रेव को खोल ही नहीं सकते हैं। गाइस यार मुझे कुछ ना कुछ आइडिया तो करना होगा, चलो इसे खोलने की ट्राई करते हैं। कौन हो तुम अजनबी? अरे यार ये किसकी आवाज आई? तुम मुझे नहीं देख सकते लेकिन अपना इंट्रोडक्शन दो। लेकिन तुम पहले ये तो बताओ कि तुम हो कौन? तुम्हारे साइड में देखो। एक मिनट गाइस, यहाँ पर साइड में क्या? अरे गाइस ये तो रेड हल्क की सोल है। हाँ तुमने बिल्कुल ठीक पहचाना, मैं गोल्ड रेड हल्क की सोल हूँ। लेकिन गोल्ड रेड हल्क, मुझे तो तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे तुम्हें ना वापस से जिंदा करना है। लेकिन तुम्हें मुझे जिंदा क्यों करना है? गोल्ड रेड हल्क हमारे लोस सेंटोस में ना एक काफी बड़ा घोस्ट टेडी आ चुका है, और मुझे पता लगा है कि उस घोस्ट टेडी के ना तुम सबसे बड़े दुश्मन हो, और तुमने उसे पहले भी हराया था ना। अच्छा वो घोस्ट टेडी फिर से जिंदा हो गया, उसे मैंने ही मारा था, लेकिन वो जिंदा कैसे हुआ? अरे यार इतना सब तो मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मेरी हेल्प करो। लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प तभी कर पाऊंगा जब मैं दोबारा से जिंदा हो पाऊंगा। हाँ वो बात तो है, लेकिन मैं तुम्हें जिंदा कैसे करूँ? तुम जल्दी से ये बताओ, तुम जो भी बताओगे ना मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है फ्रैंकलिन, अगर तुम मुझे जिंदा करना चाहते हो तो तुम्हें लोस सेंटोस में तीन जादुई हीरो को ढूंढना होगा। वो हीरे काफी जादुई हैं, अगर तुमने उन्हें ढूंढ लिया तो मैं दोबारा से जिंदा हो जाऊंगा, और शर्त के मुताबिक मैं उस घोस्ट टेडी से लड़ने में तुम्हारी मदद भी करूंगा। ठीक है गोल्ड रेड हल्क, तुम उसकी चिंता मत करो। तो चलो गाइस यार, मुझे है ना एक जादुई पत्थर का तो पता है, वो मुझे पता है कि वो कहां पर छुपा है, लेकिन बाकी के दो जादुई पत्थर भाई मुझे नहीं पता कि वो कहां पर है। हमारी बाइक कहां पर है? ये रही हमारी बाइक। फाइनली हमें रेड हल्क की ग्रेव तो मिल चुकी है। एक मिनट, मैं ना टोनी को कॉल करके बता देता हूँ। हेलो टोनी। हाँ फ्रैंकलिन बोलो, क्या हुआ? टोनी मुझे है ना रेड हल्क की ग्रेव मिल चुकी है, लेकिन उसने बताया कि हमें पहले उसे जिंदा करना होगा, तभी उस वो घोस्ट टेडी को हरा पाएगा। अच्छा तो ये बात है, लेकिन हम उसे जिंदा कैसे करेंगे? तुम उस चीज की है ना चिंता मत करो, बस तुम है ना शहर में थोड़ा सा है ना संभाल लो कि वो घोस्ट टेडी ना वहाँ पर ज्यादा नुकसान ना पहुँचाए। बाकी मैं है ना जल्दी से उस घोस्ट टेड हल्क को जिंदा करने के लिए जा रहा हूँ। ठीक है फ्रैंकलिन, अपना ध्यान रखना, और इस बात का भी ध्यान रखना कि ये घोस्ट टेड हल्क भी काफी ज्यादा खतरनाक है, तो इससे भी तुम थोड़ा बच कर रहना। ठीक है टोनी, तुम उस बात की चिंता मत करो। तो चलो गाइस यार, यहाँ से आई थिंक हमें यहाँ से शॉर्टकट लेना है, और यहाँ पर है ना एक काफी पुराना घर है, और उस घर के नीचे ही है ना वो एक हीरा दबा हुआ है। तो चलो यार यहाँ पर है ना हमें वो पुराना घर ढूंढना होगा। गाइस अगर आपको यहाँ पर कहीं पर भी कोई पुराना सा घर दिखे ना तो जल्दी से कमेंट जरूर कर देना। आई थिंक वहाँ पर ऊपर है क्या? शायद मुझे लग रहा है कि वहाँ पर ऊपर है ना कोई घर तो है। घोस्ट टेडी किसी को भी नहीं बख्शेगा, मेरे सामने मेरे रास्ते में जो भी आएगा वो मारा जाएगा। कोई भी इतना ताकतवर नहीं है जो मेरा सामना कर पाए। मैं दुनिया का सबसे खतरनाक घोस्ट टेडी भूत हूँ। मैं इस शहर के सभी लोगों को अपनी तरह एक भूत बना दूंगा, फिर ये पूरा शहर भूतों का शहर हो जाएगा। मैं ही सबसे ज्यादा ताकतवर हूँ।
गाइस यार हमें यहाँ पर जंगलों में घूमते घूमते भाई काफी ज्यादा टाइम हो चुका है और अभी यहाँ पर देखो भाई बारिश भी आनी स्टार्ट हो चुकी है। तो गाइस यार हमें यहाँ पर है ना काफी ध्यान से चलना होगा क्योंकि यहाँ पर जंगली जानवर भी हो सकते हैं। तो यार यहाँ पर एक मिनट गाइस, ये क्या गाइस, ये देखो आई थिंक हमें ना एक हीरा मिल चुका है भाई। ये यहाँ पर देखो कैसे सीक्रेट जगह पर छुपा हुआ है, लेकिन यार यहाँ पर तो तीन तीन हीरे हैं और एक तो भाई हीरा आधा ही है। एक मिनट गाइस, ये देखो इस बिल्डिंग के नीचे ना ये जो पावर सोर्स है ना, मुझे लग रहा है कि इससे ये ना इस हीरे को शक्ति मिल रही है। यार वैसे इन हीरो का साइज देखो भाई कितना ज्यादा बड़ा है और इनमें से है ना किसी एक में उस रेड गोड हल की है ना पावर छुपी हुई है, लेकिन मुझे इतना पक्का पता है कि इनमें से है ना दो हीरे नकली है और एक ही असली है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि कौन सा असली है और कौन सा नकली है। तो एक काम करते हैं, तीनों को ही ना उठाकर लेकर चलते हैं, बाकी क्या हमें ना दो हीरो को भी ढूंढ लेंगे और उनके बाद जो असली होंगे ना उनमें से हमें ना गोल्ड रेड हल को जिंदा कर देंगे। गाइस यार ये हीरो तो भाई काफी ज्यादा बल्कि है, इतना ज्यादा वेट है ना इनके अंदर कि हमारी गाड़ी भी यार अच्छे तरीके से नहीं चल पा रही है। ये तो भाई नदी आ गई, हम एक काम करते हैं यहाँ से लेकर चलते हैं। मैं नहीं चाहता कि हमारा एक भी हीरा गाइस यार पानी में बह जाए, लेकिन भाई यार यहाँ पर तो फिसलन भी काफी ज्यादा है, कैसे निकालूं मैं गाड़ी को, आराम से निकालना होगा। चलो यार हमने काफी मेहनत के बाद वहां से अपनी गाड़ी को तो निकाल लिया है, लेकिन यहाँ का मौसम है ना देखो गाइस और भी ज्यादा खराब होता जा रहा है। अरे यार मैं ये भूल ही गया कि हमने गोल्ड रेड हल का घर कहाँ पर ढूंढा था, कौन से पहाड़ों में था वो। शिट यार मुझे अब ये कंफ्यूजन हो रही है, मुझे लगता है गाइस हमें यहीं से ऊपर जाना चाहिए क्योंकि भाई पहाड़ों से है ना उसका घर अच्छे तरीके से दिख जाएगा। अरे यार मुझे ध्यान ही नहीं रहा, अगर मैं वहां पर ही जीपीएस को ऑन कर लेता ना तो ये प्रॉब्लम आती नहीं। चलो यार मैं ना थोड़ा सा सोचने की ट्राई करता हूं कि हमने उसके घर को भाई कहां पर ढूंढा था, और यार अगर आपको याद आ जाए तो आप भी कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। चलो भाई लोग फाइनली अभी बारिश बंद हो चुकी है और धूप भी निकल चुकी है, लेकिन यार पानी सभी जगह भर चुका है। और हाँ यार मैंने अभी आपको नहीं बताया होगा, हमें है ना रेड हल की ग्रेव मिल चुकी थी और उसके बाद हमने पहले हीरे को वहां पर उसकी ग्रेव के पास रख दिया है, और मुझे पता लगा है कि जो दूसरा हीरा है ना वो यहाँ पर आर्मी बेस के अंदर रखा हुआ है। और ये जो आप टावर देख रहे हो ना ये आर्मी का सबसे मेन टावर है, इसी के अंदर है ना हमारा हीरा रखा हुआ है। तो चलो यार आर्मी के अंदर घुसने का कोई ना कोई जुगाड़ लगाते हैं। मैं काम करता हूँ यहाँ से तेज भगा कर है ना सीधा आर्मी बेस के अंदर जंप करवा देता हूँ। एक मिनट गाइस हमें कोई आर्मी वाला देख तो नहीं रहा ना, नहीं देख रहा गाइस। ये देखो मैंने दिया जंप और भाई यार चलो फाइनली हम आर्मी बेस के अंदर घुस चुके हैं। एक काम करता हूँ गाइस अपनी बाइक को ना यहीं पर पार्क कर देता हूँ क्योंकि हम पैदल घूमेंगे ना तो किसी को इतना शक नहीं होगा जितना कि बाइक पर घूमने पर होगा। वैसे यार मैंने ना एक गलती कर दी है, मुझे ना आर्मी वालों के कपड़े पहन कर आना चाहिए था ताकि किसी को कानों कान खबर भी नहीं होती, लेकिन अभी रिस्क वो देखो भाई वहां पर आर्मी वाले हैं, कहीं हमें कोई देख ना ले, थोड़ा सा छुप कर चलना होगा बिल्कुल ध्यान ध्यान से। शिट गाइस यार ये तो यहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे हैं और जब तक ये ट्रेनिंग करेंगे हम यहाँ से जा नहीं सकते हैं। तो चलो यार यहाँ से तो निकलते हैं, हमें कोई दूसरा रास्ता ढूंढना होगा। यहाँ से हम ऊपर चढ़कर उस टावर के पास जा सकते हैं क्या? आई थिंक गाइस हम जा सकते हैं, चलो यहाँ पर भी जाने के ना ट्राई करते हैं। बस गाइस पहुंच के ये क्या एंट्री का गेट, आई थिंक यही एंट्री गेट होगा। नहीं गाइस यार ये तो बंद है, ये एंट्री गेट है ही नहीं, एंट्री गेट से ही हमें अंदर जाना होगा। यार हमें एंट्री गेट तो मिल चुका है, वो है एंट्री गेट, लेकिन यहाँ पर तीन तीन आर्मी ऑफिसर खड़े हैं, हमें पहले ना इन तीनों को खत्म करना होगा तभी हम इस टावर के अंदर घुस पाएंगे। तो चलो यार पहले तो इन दो को खत्म कर देता हूँ, एक इसको हेडशॉट और इसको तो पता ही नहीं लगा। ये देखो गाइस हमने तीन तीन आर्मी ऑफिसर को खत्म कर दिया है, आई थिंक यहाँ पर किसी को कानों कान खबर नहीं होगी। चलो बिल्डिंग के अंदर घुसते। अरे शिट यार ये तो यहाँ पर सामने बैठा है, हमने इसे भी खत्म किया। इस बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट नहीं है क्या? पता नहीं गाइज लिफ्ट है या नहीं है, मुझे नहीं लगता गाइज इन्होंने इस बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट लगा रखी होगी, लेकिन स्टेयर्स कहाँ पर है स्टेयर्स? चलो यार लिफ्ट तो मिल गई, चलो भाई जल्दी से मुझे ना ऊपर वाले फ्लोर पर, सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर जाना है। अरे शिट यार ये लिफ्ट तो भाई काम ही नहीं कर रही है, हमें यार इन्हीं सीढ़ियों के थ्रू है ना ऊपर जाना होगा, और ये टावर भी काफी ज्यादा ऊंचा है और ऊपर भी है ना कुछ ऑफिसर तो होंगे जो हमें रोकने की कोशिश करेंगे। यार ये तो आर्मी वाले है ना, इनको तो आदत है ऊपर चढ़ने की, लेकिन हमें इतनी आदत नहीं है, अगर लिफ्ट होती ना तो हम इतना इजिली पहुंच जाते। भाई यार कितने फ्लोर है इस वाले टावर में? चलो यार मुझे लगता है फाइनली हम बिल्कुल ऊपर पहुंच चुके हैं। ये वाला है क्या रूम? अरे शिट यार यहाँ पर तो ये है। गाइस यार हमने इसको मार दिया, अगर हम इसको नहीं मारते ना, अरे भाई ये देखो यहाँ पर ये हमारा हीरा और यहाँ पर दो दो ऑफिसर और भी थे, लेकिन भाई यार ये हीरा तो काफी ज्यादा है बड़ा साइज में। लेकिन यार मुझे इस बात का दुख हो रहा है कि हमने यहाँ पर काफी सारे आर्मी वालों का ना बिना बात के मार दिया है भाई, लेकिन इतने बड़े हीरे को मैं लेकर कैसे जाऊंगा? कोई बात नहीं गाइस हमें कोई ना कोई जुगाड़ तो लगाना ही पड़ेगा।
गाइस यार हमारे पास और कोई भी रास्ता नहीं था, हमें आर्मी वालों का है ना ये चोपर चुराना पड़ा, जिसमें हमने है ना हमने अपने बड़े वाले हीरो को अटैच कर लिया है और इसी के थ्रू हम है ना इतने बड़े हीरो को वहां तक लेकर जा सकते हैं। क्योंकि भाई मैंने है ना बाकी की छोटी गाड़ियों को भी ट्राई कर लिया था, लेकिन उन छोटी गाड़ियों से भाई ये वाला हीरा काफी ज्यादा बड़ा था। और गाइस यार आपको हैरानी होगी कि ये वाला हीरा इतना ज्यादा भारी था कि इसको है ना पूरी आर्मी बेस का सिर्फ यही चोपर है जो इसको उठाकर लेकर जा सकता है, तो आप समझ ही सकते हो कि ये वाला हीरा कितना ज्यादा है। चलो गाइस यार जल्दी से ना गोल्ड रेड हल्की है ना ग्रे पर चलते हैं। और आपको बता दूं कि हमारे टोनी ने भी एक हीरे को ढूंढ लिया है, तो यानी कि हमने टोटल 3 हीरो को ढूंढ लिया है। जल्दी से जाकर गोल्ड रेड हल्क को है ना जिंदा करते हैं और फिर देखना गाइस जो हमारा रेड हल्क है ना वो उस घोस्ट टेडी की कैसे बैंड बजाता है। तो फाइनली गाइस ये देखो, ये रहे वो हीरे जो कि लोस सैंटोस में छुपे हुए थे, लेकिन इनमें से 3 असली हीरे कौन से हैं हमें कुछ भी नहीं पता है। इनमें से जो भी 3 हीरे होंगे वो हमारे गोल्ड रेड हल्क को जिंदा कर देंगे। तो 3, 2, 1। अरे ये क्या है गाइस, ये गोल्ड रेड हल्क तो भाई इतने ज्यादा बड़े हैं कि मेरी भाई नजर भी नहीं जा रही है। ये देखो इससे ऊंचा मैं देख ही नहीं सकता, तो चलो है ना थोड़ी सी है ना दूर जाकर देखते हैं कि भाई ये गोल्ड रेड हल्क दिखने में कैसे हैं। भाई ये देखो ये तो 3 हेडेड गोल्ड रेड हल्क है और साथ में इसके विंग्स भी हैं। गोल्ड रेड हल्क मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मैंने तुम्हें जिंदा भी कर दिया है तो मेरी मदद करो। फ्रैंकलिन इस बात की चिंता मत करो, मुझे अपना वादा याद है, मैं अपने वादे का पक्का हूँ। तुमने मुझे जिंदा किया है तो मैं तुम्हारे लिए उस घोस्ट टेडी से लड़ने के लिए तैयार हूँ। ठीक है गोल्ड रेड हल्क, मैं भी देखता हूँ कि तुम कितने ज्यादा ताकतवर हो। अब समय आ चुका है अपनी ताकतें दिखाने का।